नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। विनेश फोगाट ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवान पीछे हटने को तैयार नहीं है। संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग पर अड़े पहलवान अब मेडल वापसी तक पे आ गए हैं। धरने में शामिल महिला पहलवान विनेश फोगाट ने गुरुवार को कहा कि वो सभी लोग अपने अपने मेडल वापस करेंगे। विनेश फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका करियर दांव पर लगा हुआ है। वहीं धरने में शामिल पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी, हम चले जाएंगे, हमारा टारगेट केवल बृजभूषण शरण सिंह है। पहलवान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लोग हमारे धरने को खत्म करना चाहते हैं, हम इस तरह के सम्मान की उम्मीद नहीं करते। देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, अगर ऐसा ही करना है तो हम मेडल लौटा देते हैं। दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि वो जल्द इस मामले की सुनवाई पर निपटारा करे। मालीवाल पर आयोग में विभिन्न पदों पर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की भर्ती में अपने पद के कथित दुरुपयोग से संबंधित आरोप लगे थे। डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोझी के 2019 लोकसभा चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दरअसल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के तमिलनाडु की तूतुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। डीएमके नेता कनिमोझी ने 2019 में तूतुकुड़ी क्षेत्र में चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। सनातन ने आरोप लगाया था कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपनी चुनावी एफिडेविट में अपने पति के बैन नंबर का जिक्र नहीं किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शांघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार की सुबह गोवा पहुंचे। रूसी विदेश मंत्री लावरोव आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। शांघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई को गोवा में होनी है। भारत के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल वो G20 के साथ ही शांघाई सहयोग संगठन अध्यक्षता भी कर रहा है। गोवा में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के अलावा भारतीय विदेश मंत्री कई देशों के विदेश विभाग के प्रमुखों से अलग मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री किंगोंग और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक कर चुके हैं। पुरानी रंजिश के चलते एक सब्जी व्यवसायी ने पूर्व पार्षद विपिन शर्मा और पप्पी के सर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे वह अचेत होकर सड़क पर गिर पड़े। गंभीर अवस्था में उन्हें यहां के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर लगते ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। यहां बता दें कि मोहल्ला कटरा मालियान निवासी सब्जी व्यवसायी टेकचंद की पप्पी से किसी बात को लेकर रंजिश आ रही थी। इसी के चलते उसने मौके पाकर विपिन शर्मा और पप्पी पर फावड़े से वार कर दिया, खुद को कोतवाली पहुंचाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और CO वंदना ने बताया कि लोगों का कहना है कि विपिन शर्मा और टेकचंद में किसी बात को लेकर विवाद चला रहा था। तीर्थनगरी ऋषिकेश हरिद्वार के बीच बसे रायवाला और आसपास के क्षेत्रों में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट आई है, जिसके बाद लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की दिनचर्या और व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। बारिश से छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की परेशानियां बढ़ गई हैं और मौसम के बदले मिजाज से बीमार होने का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार बारिश होने से तापमान की गिरावट की वजह से स्थानीय लोगों को एक बार फिर से अपने गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की महिला इकाई में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का गंगा विहार कॉलोनी स्थित आवाज घेरने की कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री की शव यात्रा निकालकर पुतला फूंका। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस बल मंत्री की आवास के आसपास तैनात रहा। इस दौरान महिलाओं की पुलिस के साथ बहसबाजी भी हो गई। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रुड़की के पिरान कलियर में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत और दरगाह प्रबंधन की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। आनन फानन में अतिक्रमण करने वालों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन बड़ी बात रही
थी कि जो दुकानें दुर्गा की ओर से टेंडर की गई थी उन दुकानों से। संयुक्त सचिव अभिनव शाह के निर्देशों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। मामले में एक व्यवसायी भवन के साथ दो अवैध कॉलोनियों पर सील की कार्रवाई की गई है। विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। संयुक्त सचिव अभिनव शाह के निर्देशों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ विकास प्राधिकरण का अभियान जारी है। रामपुर, चुंगी, तानसीपुर, मंगलौर, भगवानपुर बाईपास आदि जगहों पर कार्रवाई की गई है। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को जनपद चमोली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर गुणवत्ता के साथ योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीवाईसी, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति, इसके अलावा तमाम योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति पर सांसद ने प्रसन्नता भी दिखाई है। धर्मनगरी हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी लगातार जारी रही। जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बनी 6 मजारों को ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। बहादुराबाद के बाद जिला प्रशासन की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में बनी अवैध रूप से अलग अलग 6 स्थानों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनी है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर पहुंचे एसडीएम पूरन सिंह राणा ने श्यामपुर क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। उत्तराखंड राज्य में जिला सिंह नगर के सीमांत खटीमा उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा प्रतापपुर नंबर 2 में अवैध रूप से निर्मित सरकारी भूमि पर निर्मित एक मजार को ध्वस्त करने का काम किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। मौके पर खटीमा क्षेत्र के तहसीलदार शुभांगिनी और नायब तहसीलदार मौजूद थे। उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उनके द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित इमारतों को माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नोटिस देने के पश्चात ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। कौन व्यक्ति किस धर्म को मानता है यह प्रशासन का विषय नहीं है। सहारनपुर में भाजपा से पूर्व सांसद राघव लखन पाल ने अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने जीत को लेकर कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इमरान मसूद के फेसबुक पर लगातार लाइव आने पर लेकर उन्होंने कहा कि वे सहानुभूति झूठी कसम की बटोरना चाहते हैं, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है। हमारी जीत का अंतर बहुत बड़ा रहने वाला है। श्रावस्ती में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पोर्ट पर नजर आया। निकाय चुनाव में मतदाताओं की कोरोना जांच भी की गई। साथ ही मतदाता मास्क लगाकर मतदान करने पहुंचे हुए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी मतदाता पालन करते हुए नजर आए। मतदान स्थल के मुख्य द्वार पर मतदाताओं की कोरोना जांच की गई। साथ ही मोबाइल और प्रबंधित पदार्थों की भी जांच की गई। भाजपा से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय ने जैन डिग्री कॉलेज में बने बूथ में अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान का प्रयोग करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। प्राथमिकताओं को लेकर उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी नागरिक हैं उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना है, बाकी सब कुछ चीजें इसके आसपास ही घूमती हैं। उन्नाव में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही से अव्यवस्था फैली है, जिसकी वजह से मतदाताओं को भारी अव्यवस्थाओं के बीच वोट डालना पड़ा, जिससे मतदाताओं में भारी आक्रोश देखा गया। साथ ही वोट करने आए लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया था। आपको बता दें कि पुलिस यहां कैमरे में लोगों पर लाठियां भांजती हुई दिखी। आगरा में निकाय चुनावों में मुस्लिम मोहल्लों में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। साथ ही मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान करती हुई देखी गई। वोट करने पहुंची मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि मतदान हम सभी का अधिकार है और हम सबको मतदान करना चाहिए। फिरोजाबाद में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी। सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अलावा एडीजी आगरा मंडल राजीव कृष्ण के अलावा जिलाधिकारी रवि रंजन, फिरोजाबाद एसएसपी सहित जिले के बड़े सभी आला अधिकारी पोलिंग बूथों का भ्रमण करते हुए देखे गए। खबर गाजीपुर से, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी रहा। मतदान को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखा गया था। जिले की 3 नगर पालिकाओं, 5 नगर पंचायतों के लिए मतदान हुआ। जिले में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर गाजीपुर, जमानिया, मोहम्मदाबाद नगर पालिका के लिए मतदान हुआ, जबकि जिले के सैदपुर, सादत, जांगीपुर, बहादुरगंज, दिलदार नगर नगर पंचायत के लिए मतदान किया गया। बलरामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रिंसी वर्मा ने संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने के लिए भाजपा नेताओं ने मारपीट की थी। प्रिंस वर्मा ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। भाजपा नेताओं ने मुझे घर में घुसकर मारा। किसी तरह एक व्यक्ति के घर में मैंने घुसकर जान बचाई। चुनाव हराने की आशंका से भाजपा नेताओं ने मारपीट की। मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करती हुई नजर आई। हरदोई के सांडी में बसपा प्रत्याशी के पट्टे पर भाजपा के समर्थकों ने हमला बोल दिया। बसपा प्रत्याशी का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थक अनिल गुप्ता के साथियों द्वारा बसपा के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बसपा प्रत्याशी रामजी गुप्ता ने भाजपा प्रत्याशी बाबूराम राजपूत के समर्थक अनिल गुप्ता और अन्य कई साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। झांसी वार्ड नंबर 30 में 2 पोलिंग बूथों पर फर्जी मतदान को लेकर भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़ गए।
भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि निर्दलीय प्रत्याशी फर्जी मतदान कराने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर सीओ सिटी राजेश राय उन्नाव केस चौकी प्रभारी सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंचे और हल्का बल का इस्तेमाल किया, भीड़ को तितर बितर किया। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों प्रत्याशी आपस में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, जिसको लेकर दोनों प्रत्याशियों के समर्थक उत्तेजित भी नजर आए थे। हरदोई में शादीशुदा जोड़े ने भावर डालने के बाद मतदान किया। विवाहिता शादी की रस्में पूरी करने के बाद सीधे वोट डालने पहुंची, साथ ही पति के साथ वोट डालने के बाद लोगों से मतदान की अपील की। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट देखा गया, जिसके चलते थाना मंडी क्षेत्र और जैन इंटर कॉलेज में फर्जी मतदान करते 6 महिला 3 पुरुष सहित 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ जारी थी। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि कुछ मतदाता मतदान केंद्रों पर महिलाएं पुरुष फर्जी आधार कार्ड को लेकर पकड़े गए हैं, उनके लिए हम लोग जो भी नियमित संगत कार्रवाई है वो करवा रहे हैं और इसको लेकर लगातार जो भी संदिग्ध आईडी थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। पौड़ी में रांची स्टेडियम से किंकालेश्वर मोहल्ले जाने वाली सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन लगातार हो बारिश से संकीरा हो चुका है। लैंडस्लाइड जोन से लगातार पत्थर दरक कर सड़क पर आ रहे हैं, जिससे ये मार्ग अब चौपहिया वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। वह इस मार्ग पर भूस्खलन होने का खतरा लगातार बना हुआ है। दरअसल बीते साल पहले ही यह सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया था, जिसके बाद रखी गई सुरक्षा दीवार कुछ समय पहले ही ढह गई, जिसके बाद से इस लैंडस्लाइड जोन से पत्थर और मिट्टी लगातार दरक रही है, जो इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। वहीं डीएम पौड़ी ने तत्काल ही सड़क पर गिरे मलबे को साफ करने के दिशा निर्देश लोक निर्माण विभाग को दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। 13 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में लखनऊ के वोटर परेशान लेकिन नजर आए, किसी वोटर को लिस्ट में नाम नहीं मिला तो किसी वोटर का नाम बदल गया। ऐसे में जो लोग वोटर थे वो काफी परेशान नजर आए। लखनऊ के जो वोटर हैं चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए भी देखे गए। गुजरात के कच्छ के दरियाई तट पर चरस बरामद की गई है। कच्छ के इब्राहिमी शाह पीर दरियाई तट के पास से चरस का एक पैकेट बरामद हुआ। बीएसएफ और एनआईयू की टीम ने पैकेट को जब्त करके आगे की जांच शुरू की। यूपी निकाय चुनाव को लेकर संभल में मतदान हुआ। डीएम मनीष बंसल बूथों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। डीएम बोले, निष्पक्ष तौर पर मतदान कराया जा रहा है, फर्जी वोट डालने को सचेत भी किया गया, फर्जी वोट डालने वालों पर कार्रवाई की भी बात को कहते हुए नजर आए। चंदौसी के विभिन्न बूथों पर निरीक्षण कर डीएम आश्वस्त नजर आए। संभल में निकाय चुनाव को लेकर मतदान हुआ। 3 नगर पालिका परिषद 5 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। कुल करीब 41 लाख वोटर वोट डालते हुए नजर आए। संभल नगर पालिका में सबसे ज्यादा 19 लाख और काम नगर पंचायत में सबसे कम 8,000 कुल 442 बूथ बनाए गए थे। संभल जिले को 13 जोन 33 सेक्टर में बांटा गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने दावा किया है कि यूपी में इस बार कमल खिलेगा। निकाय चुनाव के बाद शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने वोट डालने के बाद ये बात कही। सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिले के चंदौसी स्थित अपने गृह नगर के बूथ नंबर 32 पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पूरे यूपी में इस बार निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। राज्य मंत्री ने कहा कि संभल जिले का पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा रहा है। गुलाब देवी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष जिस तरह से सरकार पर आरोप लगा रहा है वो आरोप पूरी तरह से निराधार। बरवाना भावनगर हाईवे संबंधित हादसों का अड्डा बनता जा रहा है। बरवाना के पास आवाड खोडल मंदिर के पास सिस्टम द्वारा बनाए गए हाईवे पर नाले का निर्माण चल रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, इसी वजह से हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही हादसा आज सामने आया। बाइक चालक रात के अंधेरे में निकला था। प्रशासन के द्वारा जो काम चालू है उसको रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और वो टकरा गया। बाइक चालक टकराते ही उसे गंभीर चोटें आई हैं। आते जाते लोगों ने देखकर युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई नगर के एसबी इंटर कॉलेज में अपनी पत्नी सहित मतदान किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडागर्दी अब तक खत्म नहीं हुई है। प्रदेश नहीं भूल पाया है। देश और प्रदेश में किए हुए विकास के कारण नगर निकाय चुनाव में जनता भाजपा का साथ दे रही है और इस निकाय चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिवपाल यादव के बयान पर कहा कि शिवपाल वरिष्ठ नेता है, उन पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी अभी भी उस कार्यकाल में जी रही है जब उनकी सरकार में प्रदेश में गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीता करते थे। इस प्रत्यक्ष परिणाम है कि 2014 के बाद से जब से भाजपा की सरकार देश में बनी है निष्पक्ष चुनाव में शुरू हुए हैं। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हो चुका है। कानपुर में पुलिस लाइन में महिला पुलिस कांस्टेबल और अधिवक्ता सरकारी आवास में एक साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए। पति पत्नी विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि महिला सिपाही का पति आरपीएफ सेना में तैनात है। डायरेक्ट सुबारा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कानपुर कोतवाली पहुंचे, जहां दोनों से पूछताछ की गई। गज मुरादाबाद बूथ संख्या 10 पर फर्जी वोट डालने गए 3 नाबालिग सहित एक महिला को पुलिस की हिरासत में लिया गया है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर 3 नाबालिग वोट डालने गए थे। एक फर्जी वोटर की एजेंट बनी मां को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बांगरमऊ एसडीएम उदित नारायण सिंह और बांगरमऊ सीओ पंकज सिंह ने
नाबालिग सहित महिला को कोतवाली भेजा है। रायबरेली नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं रायबरेली पहुंची लखनऊ मंडल आयुक्त रोशन जैकेब और साथ में आईजी जोनल लखनऊ तरण गाबन ने सुरक्षा व्यवस्था और मतदान स्थल का बारीकी से जायजा भी लिया। अरवली जिले में तेंदुए का आतंक बढ़ा हुआ है। मेघरज के बेज में तेंदुए ने आतंक मचाया। तेंदुए ने दो पशुओं को मार डाला है। तेंदुए की दहशत है। ग्रामीण लोग शाम होते ही घर में रहने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा भी लगवाया है। निर्दलीय प्रत्याशी के पत्र और रशियन डांस का वीडियो और लेटर वायरल होने का मामला सामने आया। पुलिस आयुक्त ने एसीपी स्वरूप नगर बिजनारायण सिंह को वायरल मामले की जांच सौंप दी है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मतदान किया। मतदान के बाद पार्टी के बागियों पर बघेल ने कहा कि बड़े परिवार में यह सब होता रहता है। हर इंसान भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता है, जो संभव नहीं। सभी बागियों को मना लिया गया है। भाजपा चुनाव जीत रही है। मुस्लिम महिलाओं की पहचान के लिए नकाब हटाना जरूरी है। भाजपा ने इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा है। गुजरात के मेहसाणा जिले के जीएसटी विभाग के क्लास 2 अधिकारी को 4,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एक व्यापारी के रद्द जीएसटी नंबर को सक्रिय करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। सहारनपुर में बसपा नेता इमरान मसूद ने पुलिस प्रशासन पर सही तरीके से मतदान न करने का आरोप लगाया था। हर तरफ लाइन लगी हुई थी। 4-5 आईडी ले जाने के बाद भी मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जा रहा था। सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र के जेबीएस इंटर कॉलेज समेत इस्लामिया इंटर कॉलेज, लॉर्ड महावीर कॉलेज पर निकाय चुनाव को लेकर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन का रवैया सही नहीं था। ऋषिकेश एम्स में शुरू हुआ Y20 का कार्यक्रम, जहां 20 देश के युवाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। स्वामी चिदानंद मुनि एम्स के डायरेक्टर मीनू सिंह और मंत्री रेखारे ने शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में सामान्य निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 37 जिलों में मतदान हुआ, जिनमें से जनपद मुजफ्फरनगर की 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत पर मतदान हुआ, जहां अगर देखा जाए तो 30% से ज्यादा मतदान हो चुका था। गुजरात के लिमडी में डेपो बस अड्डे पर एक युवक की जेब काटकर चोर नकदी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद लिमडी पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। एसटी डिपो के सीसीटीवी को लेकर जांच भी की जा रही है। कासगंज मशहूर टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है, नील छत्री वाले जीजा जी छत पर है, लापता गंज जैसे अनेक सुपरहिट सीरियलों में अभिनय की छाप छोड़ने वाले सीरियल कलाकार अनूप उपाध्याय अपने गृह जनपद कासगंज के गंज द्वारा नगर अपने घर पहुंचे। बलरामपुर नगर पालिका परिषद में मतदान प्रक्रिया में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया। फर्जी मतदान करने पहुंचे 4 व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फर्जी आधार कार्ड लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी चारों को नगर कोतवाली भेज दिया गया है। पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत का बड़ा दावा सामने आया है। भाजपा के खिलाफ जनता में आक्रोश है। सुधीर रावत निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल बता रहे हैं। सुधीर रावत, हम लोग ये सेमीफाइनल जीत रहे हैं। सुधीर रावत पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट की बात कहते हुए नजर आए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोला, कहा सपा सरकार में माफिया पैदा होते थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक दिवसीय अंबेडकर नगर दौरे पर थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भाजपा प्रत्याशी सरिता गुप्ता के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अनिल मिश्रा भाजपा में शामिल हुए। नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाया। नगर पंचायत कॉलम में मतदाताओं का जुनून दिखा। पोलिंग बूथ पर बेसहारा मतदाता परिजन सहायता से मतदान करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। सभी मतदाता उत्साह के साथ मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। तो वहीं मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद की गठबंधन उम्मीदवार लवली शर्मा ने अपने पति राकेश शर्मा के साथ नई मंडी स्थित दीपचंद ग्रीन चंबन कॉलेज में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मौसम में बदलाव और तेज धूप के बाद से ग्लेशियर टूटने का सिलसिला जारी है। बुधवार की शाम गुबेर गोदरे और भैरव गोदरे में ग्लेशियर टूटकर गिरने के बाद एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। बता दें कि मौसम साफ होने के बाद यात्रा को खोल दिया गया था, लेकिन दोपहर 2:30 बजे के बाद एक बार फिर से भैरव गोदरे में ग्लेशियर टूट गया, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हो गए। अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मेरठ जिले में मार गिराया। जानकारी यूपीएसटीएफ प्रमुख आईपीएस अमिताभ यश की तरफ से सामने आई। द किलर स्टोरी फिल्म से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा था कि आपने कहा था कि हम मामले की तत्काल देखने को लेकर एक बैच गठित करने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। बैच का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि वो कल ही इस पर विचार कर सकते हैं। वकील ने कहा कि हमने कहा कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के सामने मेंशन हमें करना है। उन्होंने दूसरी बेंच के सामने भेज दिया, वो बेंच बैठी नहीं। सीआईजी ने कहा कि आप फिर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बेंच के सामने मामला पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान के पीएम का बयान। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में विदेश मंत्री की बैठक की भाग लेने का पाकिस्तान का फैसला एससीओ चार्टर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता के अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत दौरे पर आए। बिलावल गुरुवार की दोपहर को गोवा पहुंचे, जहां वो चीन की अगुवाई वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। कर्नाटक के कनकरी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 3 साल से में है। जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो एक नई पहचान बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा यह दुखद है, शर्मनाक नहीं है कि कर्नाटक बीजेपी को 40% सरकार के रूप में जनता जानती है। ये नाम किसी पार्टी में नहीं बल्कि उन ठेकेदारों ने दिया है जिन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।